यहाँ पर जैसे ही मैं उतरता हूँ मुझे मिल जाती है S2LK। फिर यहाँ से मैं हेलमेट वेस्ट उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को समझ जाता है भाई लेफ्ट में एक स्क्वाड उतरी है। जैसे ही मैं रेड कंटेनर से ब्लू कंटेनर में जंप करता हूँ, पैराशूट का साउंड आ जाता है। पहले मुझको लगता है भाई आगे होगा, नहीं भाई वो पीछे था, उसको M16 मिल जाती थी। अच्छी बात थी कि भाई उसने वेस्ट नहीं पहना था, नहीं तो भाई एक हेडशॉट में नॉकआउट। इसे हम नॉक फिनिश करने के बाद मैं आगे चले जाता हूँ। अब यहाँ पर एक बंदा बॉट को मारने में बिजी था, तब मैं थर्ड पार्टी करके उसको अनलॉक कर देता हूँ। जब मैं उसे अनलॉक कर देता हूँ, जब ये छोटा सा टावर बना होता है ना, उस पर मुझे उसका टीममेट दिख जाता है। पर वो मैं एंगल बनाने की कोशिश करता भाई, तब तक तो वो उतर जाता है नीचे। फिर मैं उतर जाता है नीचे, उतरते ही मैं सब बोल देता हूँ चलो नॉक वाले बंदे को फिनिश करते। भाई नॉक वाला बंदा गायब हो चुका था भाई। मैंने पहले सोचा कार के पास होगा, पर कार के पास भी नहीं था, वो गायब हो गया था। फिर उसके बाद वो बंदा देखना कहाँ पर मिलेगा मुझे। जैसे मैं इस टावर पे पहुंचता हूँ भाई बंदा दिख जाता है। भाई इसे M249 से मुझे हेडशॉट मारना था। भाई इसके पास गन नहीं थी, क्रॉसबो और M24 ही था। तब मैं इसे नॉक फिनिश कर देता हूँ इन दोनों को। फिर इसके बाद भाई टावर से मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा था भाई रिवॉल्वर से। पहले मुझे लगा SKS या फिर M4 होगी, पर मुझे समझा ही नहीं भाई किधर है वो बंदा। फिर मैंने सोचा कि कंटेनर पे होगा, भाई नहीं था। फिर मुझे समझ गया भाई टावर पे है बंदा। जैसे ही वो पिक करता है मैं उसे M24 से नॉकआउट कर देता हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे पता नहीं था भाई उसके पास क्या है। भाई जब मैं उसे लूटने जाता हूँ भाई, तब मुझे मिल जाती है उससे रिवॉल्वर, पर मैं उठाता नहीं भाई। तभी इसका टीममेट भाई देखना मुझे मारने की कोशिश कर रहा था भाई, मरते मरते बचा था मैं उससे। उसे मैं बैरल से ईजी नॉक कर देता उसे। फिर मैं निकल लेता उस कॉड हाउस पर। मैं गाड़ी से उतरते मुझे बॉट का साउंड आ जाता है। पहले मुझे लगता है प्लेयर है, फिर मुझे समझ जाता है बॉट है। इसे नॉक फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं इसे बैरल उठाने की कोशिश करता हूँ भाई, जिसको मैंने टावर पे नॉक फिनिश किया था भाई, उसका टीममेट आ जाता है। पहले तो मुझे पता नहीं था भाई एक बंदा कहाँ पर है, फिर मुझे समझ जाता भाई ये वेयर हाउस पे है। जैसे ये वेयर हाउस से बाहर आता है मुझे, मैं इसे M4 से एक बुलेट का डैमेज दे देता हूँ भाई। फिर मैं अंदर घुसते भाई ये कवर फायर देता है, मतलब फ्री फायर दे देता है। मुझे समझ गया बाहर से आने वाला है। तब इसका पूरे गन रिलोडिंग पे आने तक मैं इसे इंतजार करता हूँ। फिर इसे बैरल से ईजी नॉक निकाल लेता हूँ। फिर इसे फिनिश करने के बाद लूट वूट लेके भाई मैं निकल लेता हूँ वो गाड़ी से। जैसे ही मैं गाड़ी चेंज करने के लिए रुकता है भाई, मुझे मिल जाती है पर डाचिया पाक। मैंने बोला चलो डाचिया ले लेते हैं। तभी भाई स्क्वाड हाउस में फुटस्टेप का साउंड आ जाता है भाई। जैसे ही फुटस्टेप का साउंड आता है मैं चले जाता हूँ ऊपर। मुझे पहले लगता है भाई ये टेरेस पे होगा, नहीं भाई ये देखना अभी कहाँ कैंप कर रहा होता है। पहले मैं सोच लेता हूँ TPP ले लेता हूँ यहाँ पर। भाई बंदा TPP ना ले रहा हो, फिर वापस यहाँ पर TPP लेता हूँ, CD पे ना बैठा हो। फिर जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने ऊपर टेरेस पे जाने के लिए, तब मुझे बंदा अपने साइड वाले बगल वाले रूम में मिल जाता है। पहले मैं सोचता हूँ इसे नेट से नॉक कर देता हूँ। पहले मुझे लगा भाई नेट से ये शीशा तोड़ेगा या नहीं। फिर मैं इसे M24 से देखना भाई स्नाइप कैसे करूँगा। जैसे हाथ में मैंने M249 ली, पहले मैं सोचता M4 नहीं, फिर M249 लेके इसे पट्टे से हेडशॉट दूंगा। ये दिया मैंने पट्टे से हेडशॉट। फिर इसे इसके पास उजी थी भाई, ये एक स्प्रे में नॉकआउट मतलब फिनिश कर देता पूरा मुझे। फिर इसे मारने के बाद मैं चले जाता हूँ स्कूल। यहाँ पर कोई बॉट को मार रहा था। जैसे मैं पीछे जाता हूँ भाई तीन बंदे दिख जाते हैं। फिर मैं बोलता भाई इनसे तो 1v3 करना है, देखना भाई ये कैसे बॉट जैसे बिहेव कर रहे थे भाई। नहीं पर प्लेयर था इनका, एक प्लेयर तो भाई बहुत 1 HP छोड़ देता है। पर मैं हील करके इसे भी M24 से फिनिश कर देता हूँ। इनके दो प्लेयर तो मैं ईजी नॉक फिनिश कर देता हूँ। पहले मैं स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ, नहीं भाई, पर इनका एक प्लेयर भाई स्मोक से मेरे मुँह के सामने रश कर रहा है भाई। मैंने इसे ईजी नॉक निकाल के फिनिश भी कर दिया था। मैंने स्नाइपर से मारने की बहुत कोशिश की भाई, एक दो शॉट दे रहा था पर ये नॉक नहीं हो रहे थे। पर तभी इसने नेड कर दिया। तभी भाई इनका वो जो प्लेयर था ना मैंने बोला था, वो रश कर देता भाई मेरे पे। मेरे को समझ गया रश कर रहा है भाई, इसे इजी नॉक निकल के भाई। तब मैं फिनिश नहीं करता भाई, फिर मैं थोड़ी देर बाद इसे फिनिश कर दूंगा। अभी कर दिया फिनिश इस, तभी मैं इसका देखो 1 HP कर दिया भाई। तभी एक प्लेयर देखना फ्लैंक कर रहा था मुझे, लेफ्ट से मुझे दिख गया। तो मैंने क्या किया, आराम से मेडिकेट लगाई। मुझे पता था ये आएगा कभी ना कभी, तो मैंने आराम से मेडिकेट लगाई। जैसे ही आता है तभी देखना इसे कैसे नॉक करूँगा मैं। जैसे ही आया भाई इसे नॉक कर दिया भाई। मुझे लगा इनका तीसरा प्लेयर भाई वहाँ पर है, पेड़ के पीछे ही था। अभी भी मैं इसे नॉक फिनिश करके भाई इसे भी इसका तीसरे प्लेयर को भाई देखना M249 से कैसे शॉट मारने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने इजी 1v3 कर दिया था। ये बंदे एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आए ना तो भाई ये मुझे मार देते, अलग अलग आए इसलिए मर गए मेरे हाथों से। कर देने की कोशिश कर रहा होता भाई, तभी ये बंदा 1 HP कर लेता। मैं आराम से हिल करके देखना भाई इसे हेडशॉट कैसे मारूंगा। इस मैच में पूरे टोटल मेरे 17 किल हो जाते हैं भाई। एक डुओ बंदे तो देखना कैसे कैम्प कर रहे होगे।
मैंने इस बंदे पे हार्ड स्कोप किया था, तभी इसने पिक किया और मैं इसे आराम से फिनिश कर लेता हूँ। फिर इसे लूटने के बाद मैं निकल लेता हूँ पोचिंग की। हाँ, पोचिंग की मैं राउंड मारने ही लगता हूँ भाई, तभी एक स्क्वाड मिल जाती, पर वो स्क्वाड अचानक गायब ही हो जाती है कहाँ पर। मैं निकल ही रहा होता हूँ यहाँ से, तब मुझे आ जाता है फायरिंग का साउंड। मेरे गाड़ी पे बहुत सारे लोग फायर करने लगते हैं, मेरे ख्याल से एक स्क्वाड फायर करने लगती है। मैं रिटर्न मुड़ के आ जाता हूँ भाई, तभी एक स्क्वाड गायब ही हो जाती है। फिर उसके बाद मैं वापस राउंड लगाने जाता हूँ, तभी स्क्वाड मिलती ही नहीं मुझे। फिर अलग ही एक स्क्वाड मिल जाती है, इनसे भी 1v3 कर लूँगा मैं। इस स्क्वाड की ही बात कर रहा था भाई, ये बग्गी लेकर आया। पहले तो मुझे समझ गया भाई इसका एक बंदा आगे रुका है, तब मैं इस पर बग्गी पे फ्री फायर किया पर नहीं मारा भाई। तब मैं बंदे मुझे पता था यार बंदा यहाँ पर है, ये बंदा कर क्या रहा था भाई कुछ समझा ही नहीं मुझको। फिर यहाँ से मैं इस बग्गी वाले को भी नॉकआउट डाउन कर लेता हूँ। इनका भाई लास्ट वाला बंदा भाई ड्रॉप लूट रहा होता है, तभी मुझे इस लास्ट वाले बंदे से फायर आ जाता है भाई। इसके पास थी ग्रोजा, जैसे मैं पीछे हटता हूँ मुझे समझ आता है भाई ये बंदा ड्रॉप लूट रहा है। ये बंदा ओपन से आ रहा होता है, तभी मैं इसे M4 का स्प्रे देके नॉकडाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर हो जाते हैं मेरे पूरे 13 फिनिशेस। फिर तभी मुझे चर्च से भाई फायर आ जाता है, तब फिर मैं बग्गी लेके वहाँ जाता हूँ, पर भाई कोई नहीं मिलता भाई। एक बंदा तो देखना M249 लेके क्या काम कर रहा होगा भाई, उसे देखना मैं कैसे मारूंगा ओम से भाई। मिली सेकेंड भाई, एक सेकेंड नहीं लगा होगा उसे मारने। जैसे ही मैं चर्च पे जाता हूँ भाई, यहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलता भाई, तभी मैं चले जाता हूँ पोचिंग के अंदर घुस जाता हूँ भाई। तभी मुझे ये ड्रॉप से भाई ओम मिल जाती है। जैसे मैं इस वाले कंपाउंड में आ जाता हूँ भाई, सामने एक बंदा दिख जाता है भाई। ये बंदा क्या क्या रहा था भाई, मुझे लगा इसका नेट गया होगा या फिर ये पक्का बैकपैक ओपन किया होगा या फिर इसे मैं दिख नहीं रहा होगा। तो ये ऑफलाइन ही लग रहा था भाई, हिल भी नहीं रहा था। इसे मैं नॉक फिनिश करके भाई मेरे साइड में ही एक ड्रॉप पड़ा होता है, उससे मैं ड्रॉप लूट लेता हूँ। मेरे M4 की जगह ओम ले लेता भाई, क्योंकि M4 में बिल्कुल भी नहीं है मुथी। फिर साइड से मैं ओम लेने के बाद देखना भाई एक कैंपर बंदा कैसे मारूंगा मैं उसे। यहाँ पर एक बग्गी खड़ी थी, अगर आपने भाई ध्यान से देखा होगा तभी भाई ये 2-स्टोरी में भाई एक बंदा चला जाता है, तब देखना भाई M249 लेके लेटा होता है। इसी बंदे की बात कर रहा था, इसे देखना मैं ओम से कैसे मारूंगा। मैं इसी बंदे की बात कर रहा था भाई, पहले मैं सोचता भाई ग्रोजर से मार लेता हूँ, देखना भाई ओम से कैसे मारूंगा अभी से मैं। देखो भाई एक सेकंड नहीं लगा भाई इसे मारने में भाई, यहाँ पर मेरे पूरे हो जाते 15 फिनिशेस भाई। मेरे जो सामने वाली जो 2-स्टोरी है ना भाई, उसमें देखना भाई कैसे कैंप कर रहे होते दो बंदे। वो तो अच्छी बात है भाई, मेरे पास ग्रोजा थी, एक बंदे को तो मैं हेडशॉट में ही नॉक कर देता हूँ ग्रोजा के। पहले भाई यहाँ पर मेडिकेट पड़े होते भाई, मुझे पता नहीं था भाई इस बंदे के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था भाई। इसमें मेरी कर दी 50 HP। पहले मैं भाई ऊपर आ गया, मुझे कुछ समझा ही नहीं इसका भाई टीममेट, देखना भाई क्या कर क्या रहा था भाई। भाई एक ईजी चिकन डिनर भाई, पूरे मिला के 17 फिनिशेस हुए भाई, पूरे 17 फिनिशेस, एक ईजी चिकन डिनर मिल चुका है हमको एक।